कुछ बेसिक आइडियाज दूंगी जो मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं देन यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट सर्टेन थिंग्स, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर अबाउट फिलोसफी एंड नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो एंड द रेस्ट ऑफ द लेजिस्लेशंस ऑल्सो. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज वंस आई एम गोइंग टू से इट इज ऑल अबाउट फिलोसफी, वॉट काइंड ऑफ फिलोसफी एंड वॉट इज दैट फिलोसफी, एवरीथिंग बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मच रेलिवेंट. तो अभी मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में कि हाउ बेसिकली पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अ कॉम्पिटिशन हैज स्टार्टेड अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली अमंग द यूरोपियन कंट्रीज टू एक्सेस न्यू मार्केट. तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोनाइजेशन बिगिंस एंड अल्टीमेटली यूरोपियन कंट्रीज स्पेसिफिकली दे स्टार्टेड क्रिएटिंग सर्टेन कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बिकॉज देयर इज अ राइजिंग कॉम्पिटिशन सो देयर इज अ राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो एंड अल्टीमेटली इट एंडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू एंड सब्सिक्वेंटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द एंटायर वर्ल्ड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस. क्योंकि तब तक एक काफी लंबे समय तक आपकी द थ्योरी ऑफ ऑस्टिन विच टॉक्स अबाउट द लॉ मेड बाय द सॉवरीन that is that basically that prevailed for a very long time. The law is the command of the sovereign, that is the gist, and whatever command is going to be given by the sovereign, that is law, irrespective of the fact that whether that is going to be guided or regulated by certain set of principles of morality or not. तो वो एक, इसीलिए आपने देखा हिटलर एग्जिस्टेंस में आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और उसके बाद किस तरीके से करोड़ों लोग मारे जाते हैं, then they realize the importance of human rights and the importance of natural law of justice and then universal declaration of human rights comes into the existence. But two things were happening simultaneously, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक का क्रिएशन, IMF का क्रिएशन, आपका GATT का क्रिएशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये सारे लगभग कंटेम्प्रेरी हैं. तो आफ्टर टू वर्ल्ड वॉर दे रियलाइज दैट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोब इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने वो GATT को लेकर के आए, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है हाउ द फाइनेंशियल असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम, तो उसके लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बना या वर्ल्ड बैंक बना. तो ये सारी चीजें हो रही थी एंड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड देर वर सेवरल द प्रोसेस ऑफ decolonization of countries was also going on. तो इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे देश जो है आजाद हुए और इसमें एक भारत भी था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आजाद हुआ है. तो मैंने आपको बताया था कि वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज बेस्ड अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. So the Government of India Act 1935 को अब जब आप देखते हैं then it talks about more, you know, it is more federal in nature in comparison to the present constitution. जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे तो आपको पता होगा कि basically there were two types of state. The first one was the princely states and the second one was the provinces. तो जो princely states थे इनको लेकर के there was a lots of discussion because post independence whether they wanted to remain with India, they wanted to remain independent or they wanted to go with Pakistan. All the options were available. लेकिन इसमें important चीजें कुछ जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है because once you are going to read the constitution, the background of certain things is also very much important. मैंने आपको बताया था the Government of India Act 1935 was rejected by the Congress in the year 1937, right? Then the Cabinet Commission comes into the picture and what cabinet commission is going to decide that the country is going to be divided. Country बटेगी, भारत दो हिस्सों में बटेगा, एक आपका पाकिस्तान होगा, एक आपका हिंदुस्तान होगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. तो इसीलिए जब आप देखते हो कि 15 अगस्त को जब आजाद हुआ है भारत तो पहले वी हैव डिवाइडेड एंड देन this independent India came into the existence. So division हुआ है, फिर independent India existence में आया है. The Constituent Assembly was also it was settled basically. और Constituent Assembly में जो members थे basically they were elected people and that's why it is said that they were representing the will of the people of India. लेकिन इसमें कुछ चीजें और बड़ी important है आपकी जानने के लिए, जैसे कि एक हम लोग जानते हैं drafting committee के बारे में. तो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देर इज वन पर्सन एंड हुज नेम इज मिस्टर बीएन राव. ये बहुत ही लेस डिस्कस्ड नेम है लेकिन द रोल ऑफ द बीएन राव इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
बी एन राव वॉज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड वेबल. लॉर्ड वेबल ने इनको अपॉइंट किया था एंड वॉट ही यूज टू डू, ये कॉन्स्टिट्यूशन बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते थे एंड उसके बाद जो उनको सही लगता था दैट यूज टू बी सेंड टू द ड्राफ्टिंग कमेटी. देर वॉज डिस्कशन इन ड्राफ्टिंग कमेटी ओवर दोज प्रोविजन, फिर वहां से प्रारूप समिति कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजती थी और वहां पे उस पर डिस्कशन होता था. तो यहाँ पे जब आप डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे देन ही हैज आल्सो गिवन क्रेडिट टू मिस्टर बी एन राव, हालांकि उनका नाम बहुत कम डिस्कस्ड होता है. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, द ड्राफ्टिंग कमेटी व्हाट बेसिकली दे वर गोइंग टू डू, बी एन राव वॉज स्टडींग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी वॉट वॉज सुटेबल टू इंडिया इन दोज सर्कमस्टांसेस ही पिक्ड सर्टेन थिंग्स. इसीलिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो ये हमने यहाँ से लिया, वो हमने वहां से लिया. तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक चीज और आपको दिखाई देती है, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब डिस्कशन शुरू किया तो मैंने आपको एक चीज बताया था लास्ट क्लास में कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज 5000 ईयर ओल्ड रिटन इकोनॉमिक हिस्ट्री. इतना पुराना किसी देश का इतिहास नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक चीज का और डिस्कशन किया गया था और वो डिस्कशन इस चीज का था कि जब आप दुनिया की अलग अलग व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हो, इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, सिर्फ उन्हीं व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया था विच वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन, चाहे वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे हमने कुछ ब्रिटेन से लिया हो. मेन जो फोकस था वो ये था कि एवरीथिंग वॉज रोमिंग अराउंड द कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटेन इन वॉट एवर वे देवर वर्किंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ने जब कॉलोनी बनाई अपनी तो दे इम्पोज ऑलमोस्ट अ यूनिफॉर्म लॉ ऑन ऑल देयर कॉलोनीज. इसीलिए अभी आप देखो जब अभी भी आप पीएचडी वगैरह में कंपेरिजन करते हो ना तो आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हो, आप अमेरिका से कंपेयर करते हो, आप साउथ अफ्रीका से कंपेयर करते हो, ये सारे ब्रिटिश कॉलोनी थी और इनमें एक सर्टेन पैटर्न है. और पैटर्न क्या है कि इवन वंस द ब्रिटिशर लेफ्ट दीज कंट्रीज देन टू दे चेंज सर्टेन थिंग बट दे ऑल्सो रिटेन्ड मेनी थिंग्स विच आर मेड बाय द ब्रिटिशर्स. तो इसमें एक आपको एक जो आपको क्रिटिसिज्म इसमें दिखाई देता है बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो फॉर यू. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट में कुछ लोगों ने ये चीज बोली कि वाई यू डिस्कस्ड एंड स्टडीड द यू नो द सिस्टम विच वर प्रिवेलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड वाई नॉट द इंडिजिनस मॉडल ऑफ इंडिया विच इज रिलेटेड विद द गवर्नेंस. और इस पे अगर आप देखोगे तो गांधी जी का भी इस पे एक मत है जिसमें कि उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को सेलिब्रेट नहीं किया था बिकॉज ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ डिवीजन. तो उनका एक चीज क्या कहना था, ही वाज सेइंग कि ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू मेक यू फूल. फूल क्यों बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तुमको आजादी देंगे इस चीज के बदले में कि आप इंडिया को डिवाइड करो. तो गांधी का इसीलिए जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखते हो तो गांधी जी का उसमें आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता बिकॉज ही वॉज नॉट गोइंग टू फेवर इट. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. टाइमिंग, वाई टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि देश बंट रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं और 15 से 20 लाख लोग मारे गए थे जो उस समय दंगे हुए थे. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली is making the constitution. So there was a big question which was created by Gandhi himself and that was about the timing of making the constitution. लेकिन constituent assembly बैठी, उन्होंने संविधान बनाया. इसीलिए जब आप constituent assembly को पढ़ते हो तो उसमें there is a quote which was made by Pandit Jawaharlal Nehru और इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अप्रूव किया है कि because the timing is not perfect so the document is also not perfect. ये परफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, इन अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वी हैव क्रिएटेड दिस डॉक्यूमेंट. सो व्हेनेवर द नीड अराइजेस और व्हेनेवर द चेंजेस आर रिक्वायर्ड द चेंजेस शुड बी मेड एंड फॉर दैट पर्पस बेसिकली परहैप्स दे केप्ट आर्टिकल 368 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज थी और मैंने आपको इसमें दो चीजें और बताई थी, शायद बताई थी, और वो दो चीजें ये थी कि ब्रिटिशर्स ने जो हमें चीजें दी उसमें दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी. द फर्स्ट वॉज द एजुकेशन सिस्टम एंड द सेकेंड वॉज द जुडिशियल सिस्टम एंड स्टिल वी आर फॉलोइंग द सेम एजुकेशन पैटर्न एंड द सेम
लीगल सिस्टम ऑल्सो, एंड नाउ देर आर सम डिस्कशन कि लोगों को कहा जा रहा है कि क्या हमें इसको चेंज करना चाहिए, बिकॉज द वे द पेंडेंसी ऑफ द केसेस आर देयर, आर वी एबल टू गिव जस्टिस और नॉट. सो देर आर सो मेनी थिंग्स, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच आई वॉन्टेड टू टेल यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंसिडर इट एज अ परफेक्ट डॉक्यूमेंट, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ एडमिटेड दैट दिस इज नॉट अ परफेक्ट डॉक्यूमेंट, एंड बाय द टाइम द थिंग शुड बी चेंज. फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज, लाइक व्हाट आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब आप सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, देन व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपुल. सो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपुल. ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, दीज आर द थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेचर ऑफ द स्टेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच इज सेइंग दैट दिस इज अ सॉवरीन कंट्री, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज अ सोशलिस्ट कंट्री. तो बेसिकली अगर आप इसमें आप देखते हो तो इसमें एक डिक्लेरेशन है, इसमें एक डिस्क्रिप्शन है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, इसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक जिस्ट भी है. एंड दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में एक चीज आप याद रखना जो मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, बट एंटायर एजुकेशन सिस्टम में उसे हम कहीं भी डिस्कस नहीं करते, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, हाउ टू थिंक. आपने लॉ पढ़ना शुरू किया, लॉ इज नथिंग, दिस इज कलेक्शन ऑफ सर्टेन वर्ड्स. तो आप जब कलेक्शन ऑफ सर्टेन वर्ड्स को पढ़ रहे हो, देन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज इन वॉट वे यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. तो इसका मतलब क्या है कि हर लॉ का एक पर्पज है, एंड दैट द इंटरप्रिटेशन शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू दैट पर्पज. तो इसीलिए जब आप ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ते हो ना, तो ज्यूरिसप्रूडेंस में आप दो तीन चीजें पढ़ते हो. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है. दूसरी चीज है लॉ क्यों है. तीसरी चीज है कि लॉ का उद्देश्य या लॉ का पर्पज क्या है. तो जब आप लॉ पढ़ते हो ना, तो क्या, क्यों और कैसे, दीज थ्री थिंग्स बिकम्स वेरी वेरी रेलिवेंट. And that's why once you read the jurisprudence, it is said that jurisprudence is nothing but this is the science of law. क्योंकि क्या, क्यों और कैसे, ये हम साइंस में भी पढ़ते हैं, और क्या, क्यों और कैसे, ये हम पढ़ते हैं लॉ में भी. तो जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय आपके लिए दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि what should be the process of correct thinking. अब जब हम प्रोसेस ऑफ करेक्ट थिंकिंग की बात करते हैं, तो आइडियली आप ये देखोगे कि हमें कहीं नहीं सिखाया जाता कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ करेक्ट थिंकिंग. देन द फिलॉसफी कम्स इनटू द पिक्चर. और जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, तो फिलॉसफी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बेसिक से शुरू करिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि पहला जो क्वेश्चन आएगा कि हमें लॉ की जरूरत क्यों है, व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड, what is the reason of law, why we are having certain certain set of principles. और जब भी आप law के definition पूछो तो हर कोई यही बताता है कि law is nothing but this is a set of certain principle to conduct the behavior of the people. तो इसमें आपको जब आप law पढ़ते हो ना, तो आपका imagination बहुत तगड़ा होना चाहिए. imagination किस लिए, कि किन circumstances में क्या चीजें आई, क्यों आई, इसका क्या purpose था. तो इसके समझने के लिए मैं आपको कुछ basic चीजें बताती हूँ, बस मुझे आप ध्यान से सुनना. आई होप यू विल कैच व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से. जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट का एक मोटो है, ठीक है ना, वो कहता है यतो धर्मस ततो जया, जहां पे धर्म है वहीं पे जीत है. ये सुप्रीम कोर्ट का मोटो कह रहा है. तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां पे धर्म है वहां पे जीत है. इसका मतलब द पर्पज ऑफ द एंटायर जस्टिस सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट धर्म. Now the second important question arises is what is the meaning of dharma? क्योंकि अगर आप धर्मा को ascertain नहीं कर सकते, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पर्पस को ascertain नहीं कर सकते हो. अब यहाँ पे धर्मा की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि once we are going to talk about धर्मा, धर्मा का कोई corresponding अंग्रेजी टर्म आपको नहीं मिलता. रिलीजन धर्म नहीं होता, दिस इज established फैक्ट. सो धर्मा मीन्स समथिंग विच इज righteous. Dharma means something which is ethical. Dharma means something which is talking about protection of all. Dharma, ये जो आपका आया, ये तो धर्मस्ततो जया,
या धर्मो रक्षति रक्षिता, ये जो चीजें आई हैं यतो धर्मस ततो जया, जो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का मोटो, ये आया कहाँ से, इसी को क्यों यहाँ पे लिया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है आपको जानने के लिए। तो जब आप इसके बैकग्राउंड को जाते हो, पढ़ते हो कि कहाँ से लिया गया, तो अब देखिए ये चीजें हमें कहीं बताई नहीं जाती, बट दिस इज द बेसिक फिलॉसफी, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, वहां लिखा हुआ है, ये मेंशन है जब आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, कि यतो धर्मस ततो जया, या सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है या सत्य की ही जीत होनी चाहिए। तो बेसिक फिलॉसफी यानी कोर ऑफ द एंटायर सिस्टम आपका क्या हो गया, कि सत्य की जीत होनी चाहिए, और जहां पे धर्म है उसी की जीत है, यानी सत्य ही धर्म है। तो यहाँ पे ये कहाँ से लिया गया, ये कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हो, तो इसको लिया गया है महाभारत से। महाभारत में कहाँ से लिया गया, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। महाभारत जब आप देखते हो, तो आपको पता है कि कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। कौरव जो थे, कौरवों में देवर बेसिकली लेड बाय दुर्योधन। तो जब वॉर शुरू होने वाला हुआ, तो दुर्योधन अपनी माँ गांधारी के पास जब भी जाता था, और उसे उनसे कहता था कि आप मुझे विजय का आशीर्वाद दो, तो गांधारी ने कभी भी दुर्योधन को विजय का आशीर्वाद नहीं दिया, बिकॉज शी न्यू दैट ही इज रॉन्ग। तो जब भी जाता था और कहता था मुझे आशीर्वाद दो, तो उनकी माँ यानी गांधारी हमेशा एक चीज बोलती थी कि यतो धर्मस ततो जया, जहां धर्म है उसी की जीत होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज वो उसका, क्योंकि आप देखते हो अब लॉ में हम लोग पढ़ते हैं रूल अगेंस्ट बायसनेस, तो बायसनेस में हम कहते हैं कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो नहीं है, सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट तो नहीं है। आगे आप लोग ये चीजें पढ़ोगे जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे, और आपको मालूम है कि आज भी जब हम जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जजेस कहते हैं कि वी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस बेंच, क्योंकि जिस कंपनी में उसमें मेरा बेटा काम करता है, या मैंने कभी पुरानी पार्टी को रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो इट मीन्स दे ट्राई टू टेक द प्रोटेक्शन ऑफ रूल अगेंस्ट बायसनेस, विच इज द बेसिक प्रिंसिपल और द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ऑफ जस्टिस। तो आप सोचो, लेकिन गांधारी क्या कहती है, गांधारी बायसनेस से परे है। सो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ गांधारी, कि अपने बेटे को भी वो जीत का आशीर्वाद नहीं देती, बल्कि कहती है कि जहां धर्म होगा जीत वही होगी। तो ये रिफ्लेक्शन क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि द सुप्रीम कोर्ट शुड बी बियॉन्ड ऑल काइंड ऑफ फियर्स एंड फेवर्स, एंड द अल्टीमेट ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टू प्रोटेक्ट धर्मा। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि आप धर्म को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसके लिए देखिए, जब आप लॉ को पढ़ते हो ना, तो लॉ को प्याज की तरह छीला जाता है, यानी एक एक पर्त उसकी खोलते जाओ, और आप इन डेप्थ इन डेप्थ इन डेप्थ चलते चले जाओ। अगर आप उसको सिर्फ आउटर वर्ल्ड में पढ़ोगे, तो एक्चुअल में वो आपको समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट ये जानना होता है कि जो पूरा लीगल सिस्टम बनाया गया, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस एंड व्हाई इट हैज बीन क्रिएटेड। तो एक चीज आप याद रखना, किसी भी चीज को सीखने का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, स्पेशली आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपने आप को न्यूट्रलाइज करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजिंग योर सेल्फ, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आपके अंदर अहम नहीं होना चाहिए। तो अहम का मतलब क्या होता है, आप अपने रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्लास सबको पीछे छोड़ करके जस्ट परसीव द थिंग्स एज अ लर्नर। तो जब आप उसको परसीव करते हो ना, देन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे। तो आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, और ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट लॉ। और एक चीज आप याद रखिएगा, एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही तरीके के शब्द उसमें लिखे हुए हैं, उसमें कोई फेर बदल नहीं हो रहा, पर फिर भी उसका इंटरप्रिटेशन लगातार चेंज क्यों हो रहा है। और जब कोई चीज लगातार चेंज होती है, तो इट मीन्स इट इज वेरी मच क्लियर दैट दैट इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट चीज जो होती है वो चेंज नहीं होती। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, द फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इज द लॉ ऑफ द नेचर, जिसको कि हमारे यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, और ना ही हमारे यहाँ इस पर काम किया जाता है। तो वंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ द नेचर, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड बेसिकली हाउ नेचर वर्क्स। तो नेचर वर्क्स में क्या होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, बिकॉज नाउ है वी हैव शिफ्टेड इन अ डायरेक्शन वेयर वी बिलीव दैट वी आर नॉट द ट्रस्टी, बट वी आर द ओनर ऑफ द नेचर। लेकिन जब आप इसको इन डेप्थ एनालिसिस करते हो, तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर। तो जब यू आर द पार्ट ऑफ द नेचर, इट मीन्स यू आर बाउंड टू फॉलो
प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचर, इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे यहाँ पे समस्या ये है कि एवरीबडी टॉक्स अबाउट द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, बट वंस यू आर गोइंग टू आस्क देम दैट व्हाट इज नेचुरल लॉ, देयर इज अ बिग साइलेंस. नेचुरल लॉ पे तीन सभ्यताओं ने बहुत ज्यादा काम किया था, ग्रीक्स ने, रोमन्स ने और भारत ने. इन तीनों का जो डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज था, इट वॉज प्राइमरली बेस्ड अपॉन द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस. इसीलिए इन तीनों में आपको एक कॉमन चीज भी दिखाई देती है कि तीनों नेचर की पूजा भी करते हैं. बट आइदर दैट इज अ रोमन सिविलाइजेशन, द ग्रीक सिविलाइजेशन और द इंडियन सिविलाइजेशन, देवर कॉन्स्टेंटली अटैक्ड. इसीलिए जब आप इसको पढ़ते हो ना, तो आपको एक चीज समझ में आती है कि आपको अरस्तु मिलेगा, आपको सोक्रेटिस मिलेगा, और अचानक से ये गायब हो जाते हैं. Why? Because there was a cultural onslaught on these countries, जिसके कारण जो natural वहां का knowledge system था वो खत्म हो गया. And the same thing happened in case of India also. लेकिन इंडिया में damage उतना नहीं था जितना कि उन countries में किया गया. तो यहाँ पे जब आप natural law की बात करोगे, तो natural law में एक basic funda होता है, और हम इस फंडे से इतने दूर जा चुके हैं कि हमें realization भी नहीं है कि we are actually moving the in the wrong direction. सो यू जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग नेचर, यू जस्ट विजुअलाइज, कुछ नहीं करना, आपको बस बैठ के देखना है कि एक्चुअली हाउ नेचर इज वर्किंग. तो जब आप नेचर की फंक्शनिंग देखते हो, तो नेचर की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, एंड दैट इज नेचर इज नॉट राइट सेंट्रिक, बट नेचर इज ड्यूटी सेंट्रिक. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नेचर में कोई चीज ऐसी नहीं है जो खुद के लिए कोई चीज क्लेम करती हो. एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन टू इट्स ड्यूटीज. सो ड्यूटी इज द सेंटर ऑफ नेचर. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपनी मैं को छोड़ना पड़ेगा. नेचर मैं में बिलीव नहीं करती. नेचर ये कहती है कि एवरीथिंग फॉर एवरीवन, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन. नेचर क्रिएट्स, नेचर प्रोटेक्ट्स, नेचर गिव इक्वल स्पेस टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. ये नेचर का लॉ है. नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, जमीन है, कोई भी चीज अपने लिए किसी भी चीज का कंजम्पशन नहीं करती. सो एवरीथिंग इज बिलीविंग इन आर्ट ऑफ गिविंग, नॉट टेकिंग. और इसको जब आप जाते हो ना, तो इंडिया का पूरा जो भारत का सिस्टम था उसने इसी को फॉलो किया. इसलिए ये कभी भी राइट सेंट्रिक सोसाइटी नहीं थी, इट वॉज द ड्यूटी सेंट्रिक सोसाइटी. इसीलिए आप एक चीज देखोगे कि इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देर वॉज नो प्लेस फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, बिकॉज इट वॉज बिलीव दैट इन द इंडियन सोसाइटी ड्यूटीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. और हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो ड्यूटी सेंट्रिक है. आज अगर आप देखो, चाइना जो कर रहा है उसका कि सिर्फ मैं रहूं, मेरा चाइना रहना चाहिए, नंबर वन पे रहना चाहिए, एंड फॉर दैट दे आर क्रॉसिंग और लिमिट. तो ये जो मैं है, इसने कितना नुकसान किया है. आइदर दैट इज द प्रेजेंट डेवलपमेंटल मॉडल, मैं का कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, इन एवरी वे इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस फेनोमेना. बट वॉट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट दीज थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द नेचर. और नेचर की एक खास बात क्या होती है, जो चीज नेचर से अलाइन नहीं होती उसको बहुत समय तक नेचर टॉलरेट नहीं करती है. दिस इज द साइंस ऑफ द नेचर. सो इफ समथिंग इज नॉट अलाइन विद द लॉ ऑफ द नेचर, दैट कैन नॉट परसिस्ट फॉर सो लॉन्ग, दैट कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर सो लॉन्ग, एंड आज नहीं तो कल वो काउंटर करेगी. इसीलिए आपने देखा कि हमने जब नेचर को पोल्यूट करना शुरू किया अपने स्वार्थ के लिए, आइडियली वी वर द ट्रस्टीज. तो ट्रस्टी का मतलब क्या है, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचर. बट वंस वी स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द नेचर हैज स्टार्टेड टेकिंग रिटेलिएशन. तो अब हमें क्या मिलता है, एक्सट्रीम वेदर्स मिलते हैं, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं आंधी आ रही है. तो जब आप नेचर के लॉ को वायलेट करोगे, तो नेचर उस प्रोटेक्शन को छोड़ देती है जो आपको देती है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई, इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इंडियन सोसाइटी वॉज द ड्यूटी सेंट्रिक सोसाइटी. अब लॉ कैसे एग्जिस्टेंस में आया मैं आपको ये बता रही हूँ, ताकि आप ये समझ सको कि इसका इंटरप्रिटेशन एक्चुअल में किया कैसे जाता है. इसीलिए एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जब आप महाभारत का शांति पर्व पढ़ते हो, तो उसमें जब भीष्म पितामह शैया पे लेटे हुए बाणों की, तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजनीति में, राजनीति शास्त्र में इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तो तुम जाकर इसके इनसे राजधर्म की शिक्षा लो. वहां पे भीष्म पितामह ने एक बात बोली. किससे बोली है? युधिष्ठिर से बोली है. क्या बोली है? वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा समय था
जब न राजा था न राज्य था, न कोई दंड नीति थी न कोई दंड देने वाला था, लोग परस्पर एक दूसरे के अधिकारों का संरक्षण करते हुए प्यार से रहते थे। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझना, लोग परस्पर एक दूसरे के अधिकारों का संरक्षण करते हुए ध्यान से रहते थे। व्हाट इट्स मीन, इट मीन्स द पीपुल आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज फॉर अदर एंड दैट्स व्हाई देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ पीस। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो आपको, जब आप जैसे हमारे यहाँ तो चार युगों में बांटा गया, जब आप सतयुग के कॉन्सेप्ट को देखते हो तो इसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसमें राजा हरिश्चंद्र आते हैं। और आपको पता है कि राजा हरिश्चंद्र क्या, जब बेटे की मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी जब उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान में जाती है तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि पहले कर चुका हो तब इसका अंतिम संस्कार होगा। सो एवरीबडी इज सो मच अलाइन टूवर्ड्स देयर ड्यूटी। तो जब आप दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हैं तो समाज में कभी कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता। जब कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता, कन्फ्लिक्ट पैदा क्यों नहीं रहा, क्योंकि किसी के अंदर मैं की भावना नहीं है। सब सोचते हैं कि हाँ मैं भी रहूं और आप भी रहो, हम सबको को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स राइट एंड देर इज नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे ही आप मैं की तरफ बढ़ते जाते हो वैसे वैसे द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड राइजिंग, और जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा यू आर बाउंड टू कंट्रोल दोज पीपल्स हु आर बेसिकली गोइंग टू वॉयलेट सर्टेन थिंग्स और वॉयलेटिंग इन द राइट्स ऑफ द अदर पर्सन। तो जहां पे एवरीबडी इज ड्यूटी सेंट्रिक देर इज नो नीड ऑफ लॉ। जहां पे वो ड्यूटी सेंट्रिक से जैसे जैसे राइट सेंट्रिक होते हैं, जैसे पहला आप रावण का उदाहरण ले लो, तो उसने अपने लिए अपने पूरे परिवार को खत्म करा दिया, उसका मैं बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर आप महाभारत में आते हो तो दुर्योधन का मैं बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मुझे ये चाहिए मैं ये लेके रहूंगा। जब वहां पे आया तो आप देखते हो महाभारत वहां पे होती है। जैसे जैसे आप राइट प्रेजेंट में भी आप देखो पूरी दुनिया में सिर्फ मैं है, मैं रहूंगा, किसी देश को दूसरे देश को नहीं रहने देना, मैं रहूंगा किसी और को नहीं रहने देना। तो दिस मैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। एंड मैं मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कलेक्टिविज्म बट यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलिज्म। बट ये जो मैं का कॉन्सेप्ट है इट इज डिस्कार्डेड इन द प्रेजेंट लीगल सिस्टम ऑल्सो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए जब आपके अंदर मैं होता तो आप अपने बारे में सोचते हो, लेकिन एक्चुअल में बीइंग द ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग वंस यू आर अलाइन विद द लॉ ऑफ द नेचर यू शुड थिंक अबाउट गुड फॉर ऑल। और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ते हो तो आपको क्या समझ में आता है, जैसे आप बॉर्डर पे खड़े हुए एक सैनिक को देखो, वो हम सबके लिए मर जाता है, उसकी भी अपनी फैमिली है अपने बच्चे हैं, पर वो ये नहीं सोचता कि मैं इन लोगों के लिए क्यों मरूं, मैं अपने परिवार के लिए सोचूं, मैं दूसरे के लिए मरने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ हूं। लेकिन उसने अपना विस्तार कहाँ तक किया हुआ है, उसमें उसने अपनी परिवार में पूरे के पूरे देश को इंक्लूड किया हुआ है। सो ही इज डाइंग, ही इज सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। तो जब वो शहीद होता है तो आप देखो, चाहे आप उसको देखे हो ना देखे हो, आप जानते हो आप ना जानते हो, आपको बुरा लगता है, आपको तकलीफ होती है, आप भावनात्मक रूप से आपको लगता है कहीं पे आपको चोट लगी। लेकिन अगर वहीं पे कोई क्रिमिनल है जो दूसरों को मारता है, दूसरों को लूटता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, जब वो मरता है तो आपको बड़ी संतुष्टि होती है कि चलो अच्छा हो गया गया ये, या इसका ये रहने लायक नहीं था। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहला जो सैनिक है जिसको सम्मान दिया जा रहा है वो सबके बारे में सोच रहा है, दूसरा जो अपराधी है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, इसीलिए उसके मरने से आपको तकलीफ नहीं होती, पर सैनिक के मरने से आपको तकलीफ होती है। तो इसका मतलब क्या है, योर इनर कॉन्शियसनेस इज स्टिल बिलीविंग इन द गुडनेस फॉर ऑल एंड यू आर रिस्पेक्टिंग ओनली दोज पीपुल हु आर बेसिकली सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ फॉर अदर्स। तो ये जो मैं है इसी को तोड़ने के लिए आपके लॉज एग्जिस्टेंस में आते हैं। जैसे अनफेयर मीन्स से आप रिच नहीं हो सकते, तो आपके 50 लेजिस्लेशन है, आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो जाएगा, आपका पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो जाएगा। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि अनड्यू तरीके से दूसरे के पैसे को आप लेकर के अगर आप रिच होते हो तो वो गलत है। तो लॉ आपको क्या करता है, द बेसिक पर्पस ऑफ द लॉ ये क्या है, ये आपको इंडिविजुअलिज्म से कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ ले जाता है और द प्रोटेक्शन ऑफ द कलेक्टिव राइट की तरफ ले जाता है। इसी तरीके से आपकी आईपीसी, आप किसी को मार नहीं सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे देन अगेन द लॉ कम्स इनटू द पिक्चर। एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द लॉ, द ड्यूटी ऑफ द लॉ इज टू पुश यू towards the natural law of the justice, and once I am going to say pushing you towards the natural law of the justice, तो इसका मतलब
टू मेक यू रियलाइज दैट यू आर यू शुड नॉट वायलेट द राइट्स ऑफ द अदर पर्सन. सो वॉट इज योर ड्यूटी? योर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अदर्स. तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया, बताई मैंने वही चीज जो आप जानते हैं, लेकिन शायद आपने उस तरीके से उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया. तो चाहे वंस यू आर गोइंग टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और यू आर गोइंग टू रीड एनी अदर लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द लॉ इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी. ज्यादा क्योंकि कन्फ्लिक्ट तो होंगे, आपने इसमें जो है जुरिस्प्रूडेंस की अलग अलग थ्योरीज पढ़ी, कन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू हैपन. बट वंस यू रीड द डॉक्ट्रिन ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इंटरप्रेटर्स ऑफ लॉ. तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट? द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज or in whatever way the constitution is going to be interpreted, that is going to be adopted by the judges in case of rest of the legislations also. इसीलिए constitution के बारे में कहा जाता है कि इसको पढ़ा नहीं जाता है, इसको जिया जाता है. You should start feeling it. फीलिंग इट. इसीलिए देखिए हिंदी में शब्द, हिंदी इज अ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज, शब्द इस्तेमाल किया जाता है विशेषज्ञ. अज्ञ का मतलब होता है कि आपने उस चीज को इतना ज्यादा अडॉप्ट कर लिया कि आप उसको जीते हो. कभी आप देखो ना, कोई आता है इंजीनियर आएगा आपके घर में, कहेगा लगता है दीवार थोड़ी सी टेढ़ी है, उसकी उसने अपने आप को इतना सेट कर रखा है एक सब्जेक्ट को लेकर के कि वो कहीं भी उस चीज को जीता है किसी भी एरिया में. तो एक्चुअली में क्या होता है, लॉ को पढ़ा नहीं जाता, लॉ को जिया जाता है. और जीने का मतलब होता है यू शुड फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ लॉ. ये जो चीजें मैंने आपको बताई, मैं आपको बेसिकली बताना चाहती थी कि हाउ टू इंटरप्रेट लॉ. सो रिमेंबर इन द केस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, the individualistic interest should come at the end. The most important thing is the collective interest. तो जो interpretation की basic philosophy होती है, सबसे पहले तो global interest होता है, लेकिन अब global interest बहुत ज़्यादा dilute हो चुका है because everybody, country is so much concerned about themselves. So first the national interest, then the social interest, then the interest of the family, and then the individual interest. This is the way in which the constitution should be interpreted. और यहाँ पे मैंने आपको ये order इसलिए भी बताया कि because in the case of constitution of India, and in the first chapter, which is the nature of the Indian constitution, you will study different kind of conflicts. And one of the most important conflict is the conflict between the center and state. तो सेंटर और स्टेट के कंफ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, कैसे रिजॉल्व किया जाता है, रिजॉल्व करने की बेसिक फिलॉसफीज क्या होनी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें अब हम लोग आते हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे. तो एक चीज आप समझ लो कि वंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड हुआ फिर आजाद हुआ, और आजाद होने पर भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बिकॉज दे वॉन्टेड टू लीव इट इन द फॉर्म ऑफ वेरी अनसेटल्ड टेरिटरी, दे हैड देयर ओन एजेंडा, बिकॉज वी नो दे नो दैट यूनिफाइड इंडिया दैट इज समथिंग विच कैन बी एक्सट्रीमली पावरफुल और बहुत ज्यादा ताकतवर होता. आपको में शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि 1 करोड़ हेक्टेयर के आसपास हमारा एरिया था, जो अब घट करके लगभग 33 से 35 लाख हो चुका है. तो ज्यादातर जो हमारी टेरिटरी अलग की गई, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, ये सारी के सारा जो हमारा स्क्वीज हुई है हमारी टेरिटरी, दैट हैपेंड इन द एरा ऑफ ब्रिटिशर्स. ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ. सो वेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट, there were basically two types of states. The first one was the princely state and the second one was the provinces. तो princely state मतलब जिसको कहते हैं राजा रजवाड़े. तो राजा रजवाड़ों को भी option दिया गया कि if they want to live with India, then they can live with India. If they want to go with Pakistan, they can go with Pakistan. And if they want to live as an independent territory, then they can live as an independent territory. और आपको पता है कि उसमें बाकी सबका तो settle हो गया, because rest of the princely states decided to remain with India. दो को लेकर के issue था. The first was the Nizam of Hyderabad, and the second was one was the Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir में एक चीज और याद रखिएगा. बहुत बार मिसकोट किया जाता है, न्यूज चैनल्स पर भी मिसइंटरप्रेट किया जाता है. वो कहते हैं कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज गिवन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब जिससे आपका भारत में आपको आना था, उसका जो प्रोफार्मा था, दैट वॉज सेम फॉर ऑल द प्रिंसली स्टेट्स.
सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में देर वॉज नो प्रिविलेज विच वॉज, जो कहा जाता है विच वॉज गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर, देर वॉज नथिंग लाइक दैट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल एक जैसे थे। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में एक और चीज आप याद रखिएगा, मर्जर ऑफ द टेरिटरीज था। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वॉट वी डू, वी कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। इंडिया में आप याद रखिएगा, इंडिया में थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देयर वॉज अ प्रॉपर मर्जर ऑफ टेरिटरीज इन टू द यूनियन ऑफ इंडिया। और मर्जर का मतलब क्या होता है, विलय शब्द होता है इसके लिए। विलय का मतलब होता है कि आपने अपने अस्तित्व को भारत के अस्तित्व में मिला दिया। तो मिलाने का मतलब क्या होता है कि यू हैव लॉस्ट योर इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी एज अ सेपरेट स्टेट। अब आप विलय हो गया, आपका प्रॉपर आपका मर्जर हो गया। तो आप ये याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के केस में भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से मर्जर हुआ था। इसलिए आपको एक खास बात याद रखनी पड़ेगी कि व्हाट एवर डिस्प्यूट अराइजेज इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो 1950 के बाद शुरू होती है, बिकॉज इवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट आइदर दैट इज आर्टिकल 30, देयर वॉज अ लॉट्स ऑफ, अंबेडकर ने उसका विरोध किया था, वो बाद में आया है उसकी, अब तो खैर वो हिस्ट्री हो गया, उस पर कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। बट व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट द प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मर्जर का मतलब ये हुआ कि नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। इसलिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसको थोड़ा सा शुरू भी करते हैं क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है। इसको जब आप खोलते हो ना प्रियम्बल, तो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑलवेज रीड प्रियम्बल इन अ होलिस्टिक मैनर। इसको आप याद रखिएगा, और ये मत सोचिए कि जो जजमेंट में आ गया वो सही है, जो किताबों में लिख गया वो सही है। आपको खुद भी अपने थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करना चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड द करेक्ट थिंग्स इन द करेक्ट वे। तो आप याद रखना, जो मैंने आपको बताया था, सॉवरेंटी से शुरू होता है प्रियम्बल, फ्रेटर्निटी पे खत्म होता है, एंड फ्रॉम एंड बिटवीन सॉवरेनिटी टू फ्रेटर्निटी देर आर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो जब भी आप पढ़ोगे, एवरीथिंग शुड बी रेड इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। इट इज नॉट लाइक दैट दैट यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज वन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का फंडामेंटल तरीका होता है। तो पहला जो आपका आता है, अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि हाउ द क्रेडिट, ये सरदार पटेल, ही हैज डन अ ट्रिमेंडस जॉब, बिकॉज इट वाज नॉट इजी। 565 रियासतों का एकीकरण करना ये बहुत आसान काम नहीं था। यू हैव सीन कि छोटा सा कोरिया दो हिस्सों में टूट गया, जर्मनी दो हिस्सों में टूट गया, चेकोस्लोवाकिया टूट गया, जर्मनी का फिर से इंटीग्रेशन हुआ बट जर्मनी टूटा था, यूएसएसआर टूट गया। तो इतने बड़े देश में जो इतना डाइवर्सिफाइड है, टू कन्विंस ऑल ऑफ देम टू कम टुगेदर एंड टू मर्ज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट वॉज अ हिस्टोरिकल थिंग विच वॉज डन बाय सरदार पटेल। और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा था। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री को एक रखना, क्योंकि आप जब आप यूरोप में जाते हैं देन दे इट इज यू नो दे आर वेरी शॉक्ड दैट हाउ इंडिया इज वन कंट्री, बिकॉज वी आर सो मच डाइवर्सिफाइड, कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज, लैंग्वेज वाइज, खान पान जो भी आप देख लो, हर तरीके से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद भी दिस इज वन नेशन। सो यू नो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो इट इज नॉट इजी। सो 565 रियासतों का एकीकरण किया गया एंड देन द यूनियन ऑफ इंडिया कम्स इन टू द पिक्चर। अब हम लोग आपका जब फेडरलिज्म की शुरुआत करते हैं, देन जस्ट स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट आर्टिकल, यू कैन ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट आर्टिकल विच सेज, विच इज पार्ट वन एंड विच टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट आर्टिकल सेज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये भी एक बड़ी सोचने की बात है कि किसी भी देश के दो नाम नहीं होते, यहां दो नाम है, कह रहे हैं इंडिया दैट इज भारत। सो देर वॉज अ डिबेट ऑल्सो कि भारत दैट इज इंडिया और इंडिया दैट इज भारत, बट एक्चुअली देर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत ये गलत लिखा है, क्योंकि भारत इंडिया नहीं हो सकता। सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। इंडिया इज अ पोलिटिकल आइडेंटिटी, इंडिया इज अ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, बट भारत इज अ कल्चरल आइडेंटिटी। ये इस चीज को आप, डिफरेंस को आप समझना,
एक मेरे परिचित थे, वो नेपाल गए। नेपाल गए तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ के नागरिक हो, आपकी सिटीजनशिप क्या है। उन्होंने कहा भारत। तो बोले भारत नहीं हो सकता, आप इंडिया मेंशन करो, भारत नहीं चलेगा, लिखना था कहीं। उन्होंने बोला भारत क्यों नहीं चलेगा, तो नेपाली कहता है कि भारतीय तो हम भी हैं लेकिन इंडियन नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बोल रही हूँ। सो भारत का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर विच इज फॉलोड। नेपाल में होता है आपका, भूटान में फॉलो होता है, श्रीलंका में फॉलो होता है, इंडोनेशिया में फॉलो होता है, कंबोडिया में फॉलो होता है। तो भारत इज अ कल्चरल आइडेंटिटी, व्हाई इंडिया इज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। आप कहीं भी चले जाओ, वहां पे आप जाओगे तो कहते हैं भारत वर्षे, भारत जम्बू दीपे, भारत वर्षे भरत खंडे। तो जम्बू दीपे भरत खंडे का मतलब वो अब अलग देश हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पे यही चीज चीज बोली जाती है कि जम्बू दीपे भरत खंडे। सो कल्चरली दे आर स्टिल फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, बट इन द केस ऑफ पॉलिटिकल टेरिटरी दे आर इंडिया। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी और कल्चरल आइडेंटिटी में इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पे जब आप कल्चर को देखोगे तो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हो। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि इंडिया का जो वननेस है, बिकॉज द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द यूनाइटिंग फैक्टर फॉर यू, इसको जरा ध्यान से समझना। अगर यूनाइटिंग फैक्टर रिलीजन है तो फिर इंपॉर्टेंट बात ये, देखिए आपको कौन कौन सी चीजें यूनाइट कर सकती हैं। द फर्स्ट फैक्टर कैन बी आपका लैंग्वेज हो सकता है, कि लैंग्वेज आपको यूनाइट करता है। लेकिन लैंग्वेज को जब आप देखते हो तो श्रीलंका में जब एक लैंग्वेज का फॉर्मूला अप्लाई किया गया तो वहां पे विरोध शुरू हो गया। आपको पता है वहां पे सिंगली एंड तमिल, वहां पे एक प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज आपको यूनाइट नहीं कर सकती। रिलीजन अगर आपको यूनाइट करता तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना होता, रिलीजन आपको यूनाइट नहीं कर सकता। तीसरा आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है यूनाइट करने का कंट्रीज को, वो होता है उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन केम इनटू द एग्जिस्टेंस बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट यूरोपियन यूनियन एज अ इकोनॉमिक पावर। लेकिन आपने देखा उसमें से ब्रेक्सिट हो गया और ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। तो जब उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट सर्व नहीं हुए तो उन्होंने एग्जिट करने का ऑप्शन ले लिया। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में जब तक इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूनाइटेड हैं तब तक तो एक है, अदरवाइज दे मे गेट सेपरेटेड ऑल्सो। तो ये भी एक चीज है जो आपको बहुत लंबे समय तक यूनाइट नहीं रख सकती, बट द कल्चर इज समथिंग विच कैन कीप यू यूनाइटेड। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि नाउ वी डू नॉट कंसिडर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई गेव यू वन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल कोलोनाइजेशन ऑल्सो। और कल्चरल कोलोनाइजेशन का जो बेसिक ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को धीरे धीरे छोड़ देते हो। तो जब आप उसको छोड़ दोगे तो आपको खत्म हो जाओगे बिकॉज यू आर द रूट। एंड यू कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ऑल्सो। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि उन्होंने अपने रिलीजन को चेंज किया, दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दे हैव लेफ्ट देयर कल्चर। तो जब उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ दिया, देन यू जस्ट सी द एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, व्हाट इज हैपनिंग देयर। इंडोनेशिया ने भी अपना रिलीजन छोड़ा लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ा। सो वंस यू आर यू नो वंस यू रिमेन स्टक विद योर कल्चर, यू कैन सर्वाइव लॉन्गर पीरियड, क्योंकि कल्चर में यूनाइट करने की कैपेसिटी बाकी चीजों से कहीं ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई वंस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया एंड भारत, देयर इज अ डिफरेंस। भारत इज अ कल्चरल आइडेंटिटी, इंडिया इज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इंडिया का मतलब एक पर्टिकुलर टेरेन है, आपने पढ़ा होगा द मीनिंग ऑफ स्टेट इन द पोलिटिकल साइंस। सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन पोलिटिकल साइंस, देयर शुड बी अ डेफिनेट टेरिटरी। विद इन दैट टेरिटरी पीपुल आर रिजाइडिंग एंड दे आर यूनाइटेड ऑन वन पॉइंट। किस पॉइंट पे यूनाइटेड है कि हमारी टेरिटरी में कोई भी बाहरी आएगा देन कलेक्टिवली वी विल डिफेंड इट। हम नहीं आने देंगे, ये हमारा एरिया है, इसमें हम किसी और को आने नहीं देंगे। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन द पोलिटिकल साइंस। सो वंस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज अ पोलिटिकल आइडेंटिटी वाइल भारत इज अ कल्चरल आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है, इसको लेके डिफरेंस भी है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म यूज किया गया वो टर्म यूज किया गया इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया का जो टर्म है आपको पता है कि दैट वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, पर भारत का बहुत एंशियंट ओरिजिन है। और आपको पता है ये पहली ऐसी टेरिटरी है जो जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड हो, क्योंकि ये कहता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में
हिंद महासागर का जो टेरिटरी है वो भारत कहा जाता है, ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। और इसकी और इसके बीच में जो भी लोग रहते हैं रेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास कास्ट रीजन रिलीजन दे आर नोन एज इंडियंस, उनको भारतीय कहते हैं। तो आप एक बड़ा यूनिक चीज अपने देश के बारे में देखोगे, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जानते नहीं अपने बारे में। तो ये एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसको जियोग्राफिकली डिफाइन किया गया है कि वहां से यहाँ तक का जो रीजन है वो भारत है और इसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि नेपाली अपने आप को भारतीय तो कहता है मगर वो अपने आप को इंडियन नहीं कहता। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। और भारत का मतलब होता है जो भाव से भरा हुआ है, जो नॉलेज से भरा हुआ है और जो दूसरों को नॉलेज देता है उसका मतलब होता है, भाव मतलब होता है ज्ञान, जो ज्ञान में रहता है जो भाव में रहता है वो भारत है। हमें से बहुत सारे लोग भारत का मतलब भी नहीं जानते, इसलिए मैंने आपको इसका मतलब बताया। भा का मतलब भाव, भा का मतलब ज्ञान, जो ज्ञान में रहता है जो भाव में रहता है वो भारत है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में पीछे जाते हो तो वहां पे यू विल गेट सर्टेन नंबर ऑफ शेड्यूल्स। सो द फर्स्ट शेड्यूल, वंस यू गो एंड ओपन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू विल गेट द मेंशनिंग ऑफ द टेरिटरीज कि ये स्टेट्स हैं या ये यूनियन टेरिटरी है। सो दैट बेसिकली फर्दर क्लेरिफाइज द जियोग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कि ये बंगाल होगा, ये आसाम होगा, ये यूपी है, ये कश्मीर है, ये इतने हिस्से जो है ये भारत का हिस्सा है। सो दैट इज शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जब आप उसमें आगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी भी क्योंकि आगे जा करके ना ये ट्रिकी होता जाता है काफी, मतलब इट्स क्वाइट टेक्निकल। सो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे पढ़ते हैं, बट वंस यू रीड शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ओपन शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर यू गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की ये स्टेट और ये यूटीज भारत का हिस्सा होंगे। एंड द थर्ड पार्ट सेज द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, इंडिया में क्या क्या चीजें आएंगी। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू और आई एम टेलिंग यू दैट इट इज मोर अबाउट द पोलिटिकल एंड जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। सो वन आर्टिकल वन सब क्लॉज थ्री सेज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट की टेरिटरी भारत का हिस्सा होंगी, यूनियन टेरिटरी भारत का हिस्सा होंगी, कौन सी जो कि शेड्यूल फर्स्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। एंड द थर्ड वन सच अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड, दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट दे आर गोइंग टू से, दे आर गोइंग टू से इफ द इंडिया इज गोइंग टू एक्वायर सम अदर टेरिटरी देन दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज द पार्ट ऑफ इंडिया। सो इंडिया का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया कि शेड्यूल वन स्पेसिफाइज दैट व्हाट आर द स्टेट्स एंड व्हाट आर द यूनियन टेरिटरीज और व्हाट इंडिया कंप्राइज ऑफ, इसमें आपका वन सब क्लॉज थ्री आता है जो ये कहता है कि स्टेट्स होंगे, यूटीज होंगी और सम अदर टेरिटरी विच इज गोइंग टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। एनी एक्वायर्ड टेरिटरी मतलब आपने वॉर किया और हालांकि वॉर किया आपने जीत लिया, दैट में भी एन आस्पेक्ट। दूसरा आस्पेक्ट हो सकता है कि सम कंट्री इज विलिंगली इंटरेस्टेड टू बी योर पार्ट। ले जैसे आप जब नेपाल को पढ़ते हो ना, तो नेपाल जब भारत आजाद हुआ तो नेपाल ने कहा हम तो और आप तो एक ही हैं। और अभी भी आपको पता है कि आपके आधे से ज्यादा करोड़ों की संख्या में नेपाली यहाँ पे रहते हैं, हमारा बॉर्डर ओपन है इंडिया नेपाल का। तो नेपाल की एक रिक्वेस्ट थी कि कल्चरली वी आर सेम, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, कल्चरली वी आर सेम तो हमें आप अपने में मिला क्यों नहीं लेते। That was the request which was raised, क्योंकि Nepal was created, if I have correctly remember, in the year 1919. So in 1947 Nepal is requesting India कि because we are culturally same तो हमें आप मिला लो। But at that point of time it was suggested by then leadership कि नहीं अगर आप अलग रहोगे तो आप better grow कर सकते हो, तो उनको मिलाया नहीं गया। पर मान लीजिए कल को ऐसा होता हो, because certain small countries are constantly facing threat because of Chinese expansion policy. You can take the example of Nepal, you can take the example of Bhutan. Inko lagatar threat kar raha hai and they cannot defend themselves for so long. So suppose once this situation arises ki wo keh rahe hain ki we want to be the part of the territory of India, to aapne unko apne mein mila liya bina lade, so again they can be a acquired territory. So any acquired territory that will also be the part of India. So this was article 1. I am going to keep at least 5 to 10 minutes for question answer session. So if you have any question, you may ask. Kanika, you want to ask any question? Kanika? Or anybody wants to ask any question?
कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा पढ़ना जो है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. इसको आप सिर्फ शब्दों में पढ़ के पढ़ नहीं सकते जब तक आपको सारी चीजें इसके बारे में पता ना हो. सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ यू? नो क्वेश्चंस? मैम सो डू वी हेलो मैम, हाँ, मैम बात ओके कॉन्स्टिट्यूशन. कंटिन्यू। एक 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 पढ़ो, एक एक बोलो. कुमार गौतम बोलो. मैम अगर टेरिटरी को एक्सचेंज करने की बात हो तो एक्सचेंज की तो कहीं बात करता नहीं है कंस्टिट्यूशन में, वो जैसे मैं कि बताऊंगी बेटा, ये भी ओके बड़ा ओके ओके कॉम्प्लेक्स है, अभी आगे कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा. अभी तो मैंने आप लोग को सिर्फ एक झलकी दी है कि आपका फर्स्ट में क्या है. मैं बताऊंगी कि एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी में क्या होता है, सेशन ऑफ टेरिटरी क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी क्या होता है, और तीनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे किया जाता है. आगे के क्लासेस में ओके बताऊंगी. थैंक यू मैम। चरीबा, यस मैम, सो आई वाज जस्ट आस्किंग दैट आर वी सपोज टू बाय कॉन्स्टिट्यूशन अर्ली, लाइक शुड वी बाय इट नाउ? पार्डन, फिर से बोलो. आर वी सब डू वी नीड टू बाय बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, लाइक एट दिस स्टेज शैल वी बाय इट? हाँ, 100%. यू मस्ट हैव वन कॉपी एंड दिस कॉपी. पीएम बख्शी की लेना, ओके मैम, है ना? ऑलराइट. दिस इज द बेस्ट थिंग बिकॉज दिस इज अलोंग विथ कमेंट्रीज. और एक चीज आप लोगों ने और देखी होगी, आप जो ये आप एक काम करना, सिर्फ आज जा करके ना गूगल पे एटलीस्ट, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव नॉट सीन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एक यस मैम, बार असली कॉन्स्टिट्यूशन देखना कि असली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है दिमाग में. तो सबसे पहले लॉ पढ़ने के लिए जरूरी होता है कि देयर शुड बी अ क्लैरिटी इन योर माइंड. सो यू जस्ट गो एंड सी द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. अभी जब मैं खत्म करूँ, आज इसको जरूर देखना, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगी. सीताराम, यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन? हाँ पूछो. मैम भारत को हिंदुस्तान के नाम पर भी जाना, हिंदुस्तान का भी जिक्र किया हुआ है लेकिन इसका अब नाम दिखाई नहीं हुआ। किसका, किसको? भारत भारत को को हिंदुस्तान के हिंदुस्तान नाम के से भी नाम पर जाना भी जाता जाना था। है? हाँ, यस मैम, एक्चुअल में ना इस यस मैम, टेरिटरी का ओरिजिनल नाम भारत है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमारे यहाँ पे पुराना जो जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड है कि उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में हिंद महासागर के बीच की जो टेरिटरी है वो भारत है. लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे बाहर से लोग आते रहे, अरब से लोग आए, यहाँ पे अंग्रेज आए, तो वो ये सिंधु के नाम पे हिंद हुआ, हिंद के नाम पे हिंदुस्तान हुआ और हिंदू हुआ. हिंदू एक्चुअल में ओरिजिनली कोई टर्म नहीं है, इसीलिए आप में से बहुत लोगों को शायद मत मालूम होगा कि जो आपकी गल्फ कंट्रीज होती हैं, यहाँ से जब मुसलमान जाते हैं उनको भी वहां हिंदू कहते हैं, उनको मुस्लिम नहीं कहते, कहते हैं हिंदुस्तान से आए इसलिए हिंदू है. तो इस टेरिटरी में जो रहता है उसके लिए हिंदू टर्म इस्तेमाल किया गया. धीरे धीरे चल करके हिंदू का मतलब अलग हो गया, कि आपने उसको एक रिलीजन स्पेसिफिक बना दिया, बट एक्चुअल में हिंदू जैसा कोई टर्म नहीं था. दूसरी चीज, आपका जो अंग्रेज आए वो सिंध को इंड कहते थे, तो फिर वो इंडिक से इंडिया हो गया. तो ये जो तीन नाम है वो नॉर्मली इसीलिए यूज किए जाते हैं, बट इसमें से ज्यादातर को अगर आप देखोगे तो ये जियोग्राफिकली आइडेंटिफाई लोग हैं, या एक हिंदू जब टर्म हो गया तो एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करने वाले लोग बन गए. लेकिन अभी भी दुनिया के मेजोरिटी हिस्से में, मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया से लेके कहीं भी आप जाओ, यहाँ के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए हिंदू टर्म इस्तेमाल किया जाता है. और ये आया हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान या हिंदू टर्म आया सिंधु से. तो इस तरीके से इसके तीन नाम है. तो तीन में दो का मतलब तो काफी सेम है, भारत और हिंदुस्तान का, लेकिन जो इसका इंडिया मत टर्म है, ये इसको अंग्रेजों ने दिया था. तो इंडिया टर्म क्यों आया ये भी मैंने आपको बता दिया. यू गॉट योर आंसर? आंसर में